अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये मेरे साथ भाई हैं, नदीम भाई। मैं दिखाऊंगा नहीं उनको। नदीम भाई, आपने कितने साल गाड़ी चलाई पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैंने तकरीबन 12 साल गाड़ी चलाई है 12 साल गाड़ी चलाई, जी। और आप कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में कहाँ कहाँ चलाई है? जितने नॉर्दर्न एरियाज हैं सारे KPK में, सवात, कगान, नरान, पंजाब, चाइना बॉर्डर तक, कश्मीर, पहाड़ी इलाके जितने हैं सब में चलाई हुई है। अच्छा, ये बेसिकली भाईजान फैसलाबाद से हैं, पाकिस्तान से, पंजाब से हैं, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं। देखें गाड़ी ये मैं क्या बताऊं, इन्होंने मतलब गाड़ी चलाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये जो हमारे पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं ना, उनको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है, इनके हिसाब से। तो आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, तो मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। जो पाकिस्तान से ड्राइवर आते हैं ना, उन्होंने जब लाइन चेंज करनी होती है ना, तो वो कैसे करते हैं, ज़रा लाइन चेंज करके दिखाइएगा। मैं उनका फेस नहीं दिखाऊंगा, वरना उनका वो फेस एक्सप्रेशन दिखाना था मैंने, ठीक है। तेज़ करें गाड़ी, ये तो इन्होंने क्लास किया है, अभी थोड़ा सा शेक कम कर रहे हैं, वरना ये क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे सर, पहले आप गाड़ी दिखाइए। जिगजैग में, मतलब कभी इधर कभी उधर, फिर लाइन चेंज। हाँ, वो ऐसे ऐसे ऐसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इसलिए मैंने उनके सामने कहा, ऐसा ना हो कि मैं आप समझे कि मैं जब शायद ऐसे झूठ बोल रहा हूँ। अब ये कर अगर ये करते ना, पहले ऐसे कर रहे थे, ऐसे तो ऐसे कर रहे थे, ऐसे हो रहा था ना सर, जिगजैग हो रही थी। जिग-जैग हो रही थी। तो वो चीज़ जो पाकिस्तान से ड्राइवर आते हैं ना, जिन्होंने सीधा जाए, जिन्होंने गाड़ी चलानी चलाई होती है, वो मुझसे अच्छी चलाते होंगे। मैं मतलब कोई किसी को ऐसा नहीं कर रहा, नेगेटिव व्यू से नहीं, मेरा नेगेटिव मत लीजिएगा मेरी बात को। हो सकता है मुझसे अच्छी चलाते हैं वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलती, ये जो जिगजैग है, ठीक है, आपकी शेकिंग जो है ना, स्टेयरिंग जो शेक करता है, वो यहाँ पे नहीं चलता। सो आपने कब, जो बंदे पाकिस्तान में ड्राइव करते हैं ना, वो अगर पाकिस्तान में मेरी वीडियोज़ देखते हैं, या जिनका प्लान है इधर आने का, तो प्लीज़ काइंडली, अगर आप मोटरवे या हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं ना, तो कोशिश करा करें, जैसे ट्रेलर लाइन चेंज करते हैं ना, ट्रेलर कैसे एक लंबी लाइन चेंज करता है, ठीक है, उस तरह कोशिश करा करें, अपनी आदत बनाएं उस तरह से लाइन चेंज करने की। क्यों, अगर आप जिगजैग में करते हो 140 में, आप कैसे जिगजैग में लाइन चेंज कर सकते हो? आप अबू धाबी जाते हो, अबू धाबी अलैन रोड जो है 160 का है, वो उसकी लिमिट 160 है। तो लेट से अगर आप 160 पे हो, इसी गाड़ी पे, मेरी तो गाड़ी छोटी है, ये मतलब कोई ये लेक्सस या BMW तो नहीं है, तो ये 160 का अगर आप जिगजैग करते हो, अल्लाह ना करे, आपका वो कंट्रोल आउट हो सकता है, मिसबैलेंस हो मिस जाएगी, बैलेंस हो सकता है ना, हो तो ये तो सकता बहुत डेंजरस है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जाओ जाओ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भाई पाकिस्तान से आते हैं, या इंडिया से आते हैं, या बांग्लादेश से आते हैं, जो हमारी ये कंट्रीज़ हैं वहाँ से आते हैं, तो जो हाईवे के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, वहाँ पे वहाँ के जो ड्राइवर हैं, तो आप कोशिश करो कि गाड़ी जो है ना, वो लॉन्ग वे में लाइन चेंज करो। लॉन्ग वे मीन्स के आप स्टेप्स में लाइन चेंज करो, थोड़ा लाइन, जैसे मैंने आपको अभी जी। बताया, हाँ, लाइन के तेज़ पास करो। आना है पहले, जी, फिर अपना वो सारे शोल्डर चेक, सेंटर मिरर करके फिर हाँ, सीधी जानी, यानी कि गैप देना है, गाड़ी फास्ट करें गाड़ी, गाड़ी को जी, चेंज होने के लिए गैप देना, एकदम से टर्न नहीं लेना टर्न नहीं लेना, होल्ड करना है जी, स्टेयरिंग को होल्ड जितना करना हो है सके, ठीक है, एक बार में नहीं कोशिश करनी कि मैं लाइन चेंज कर लूँ, सही है। तो मैं सबको नहीं कह रहा, मोस्टली जो पाकिस्तान से हमारे भाई आते हैं ना, स्पेशली हमारे पंजाब से जो आते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ आप जो भी भाई पाकिस्तान के ड्राइवर हैं, जो पाकिस्तान से ड्राइव करके आते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलती। तो आपको चाहिए कि आप लेन चेंज में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को सीधा रखो, फेस गाड़ी का सीधा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बात करनी थी आपसे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब ये भाई ने देखो बता रहे हैं मुझे, मैं नारायण का नॉर्दर्न एरिया सारा केपी के पूरा, वो तो माउंटेन साइड है सारी, जी। तो वहाँ पे ड्राइव इतनी आसान नहीं है, मुझे पता है इस नहीं बात का, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए ना, आपने जी उधर ड्राइव की हुई है, तो आप जैसे अभी लाइन चेंज कर रहे हैं, इसी हिसाब से तो बहुत डेंजरस है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलें जी, दुआओं में याद रखें, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इससे रिलेटेड मुझे बताइएगा कौन कौन भाई जो है ना, मेरी बात से एग्री करता है, अगर डिसएग्री है तो नो लिखिएगा, एग्री करते हैं तो यस ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।